हाँ, कंटेम्प्रेरी आप हिस्ट्री कर रहे हैं, उस समय कौन कौन से और राज्य थे, वो उसके लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है, अप्रोच में ही सोल्यूशन बता दूंगा मैं, ठीक है, वो अप्रोच में ही सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं ना, तो जनरली हम प्लेन वे में पढ़ते हैं, वी शुड नॉट स्टडी हिस्ट्री इन अ प्लेन मेथड, वी शुड स्टडी हिस्ट्री इन सच ए वे दैट इट बिकम इजी, एंड माई अप्रोच इज टू मेक द मैप्स ड्यूरिंग द हिस्ट्री। और एक मैप नहीं बनाता, जितना ज्योग्राफी में आपने मैप नहीं पढ़ा होगा ना, उससे ज्यादा मैं हिस्ट्री बना देता हूँ मैप, ठीक है। इसमें से कुछ लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मेरा दूसरा ऑप्शनल ज्योग्राफी भी रहा है, ठीक है, यूपीएससी में दूसरा ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी भी रह चुका है, तो ज्योग्राफी को मैं हिस्ट्री में यूज करता हूँ ताकि हिस्ट्री इजी हो जाए। और जब मैप बनाएंगे ना, तो अपने आप एम्पायर लोकेट करेंगे, आप वहां पर एम्पायर लोकेट करेंगे तो उसके आसपास के एम्पायर भी आपको करना होगा, बड़ी आसानी से चीजें आप कर ले जाएंगे, ठीक है, कि कंटेम्प्रेरी उसके साथ कौन कौन से हैं, चीजें आसान हो जाएंगी। तो मैप को यूज करना इतिहास में जरूरी चीज होता है, ठीक है। विदाउट मैप अगर हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, पढ़ तो ले जाएंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ा भी ले जाएंगे लोग, पढ़ भी ले जाएंगे, लेकिन मैं बिना मैप के नहीं पढ़ा पाता हूँ। अगर वास्को डिगामा भारत आया, तो वो जिस रास्ते से आया, मैं उसका पूरा मैप 3 कॉन्टिनेंट का बनाता हूँ पहले, ठीक है, जिसमें अफ्रीका होता है, जिसको क्रॉस करके वास्को डिगामा आया था भारत, केप ऑफ गुड होप होकर के पूरा, और भारत तक पहुंचा था, और यूरोप, बस वेस्टर्न यूरोप से, तो पूरा यूरोप का मैप होता है, पूरा इंडिया का मैप होता है, और एशिया का, और पूरा जो है अफ्रीका का मैप होता है, उसमें 3 कॉन्टिनेंट का मैप बनाता हूँ, उसमें बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो जाती हैं। और हम सिर्फ इसे सिंपल वे में नहीं लेकर जाते ना, आखिरकार ऐसी क्या सिचुएशन थी कि वास्को डी गामा भारत है, इसे मैं कैसे समझाऊंगा आपको, जब मैप पर मैं बताऊंगा आसानी समझ जाएंगे ये कि वास्को डी गामा क्यों आया भारत, या ऐसी क्या चीजें यूरोप में हो रही थी जिसकी वजह से वास्को डी गामा ही नहीं, पश्चिमी यूरोप के मैक्सिमम देश लगे हुए थे कि नई दुनिया के देशों की तलाश की जाए, और विशेषकर ईस्टर्न वर्ल्ड में पहुंचा जाए, भारत की तरफ, इंडोनेशिया की तरफ, टू गेट द स्पाइसेस। ऐसा नहीं है कि वो लैंड रूट नहीं जानते थे, लैंड रूट बिल्कुल जानते थे, वो लैंड रूट भी मैं दिखाऊंगा आपको कहां से वो आ सकते थे, बट दैट रूट वॉज नॉट सेफर फॉर देम, ठीक है, एंड इट वॉज एट दैट टाइम कंट्रोल्ड बाई टर्कीज, तुर्कियों द्वारा कंट्रोल कर लिया गया था, एंड दैट्स वाई इट वॉज ब्लॉक्ड बाई टुर्कीज। एंड ऐसा नहीं है कि मसाले पहले नहीं पहुंचते थे उन तक, पहले भी पहुंचते थे, ठीक है, पहले अरबी लोग पहुंचाते थे इनको, और अरबी लोग जो है लेकर के मसाले एडन और रेड सी तक जाते थे, और उसके बाद ऊपर जा करके कुछ देशों को दे देते थे, वो मैप के थ्रू जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और तब वो दो देश जो है, जेनेवा और वेनिस, ये दोनों देश मिल करके पूरे यूरोप में मसाले डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, बट वेन कॉन्स्टेंटिनोपोल हैड बीन टेकन कंट्रोल बाय द टर्की, देन द सिचुएशन चेंज्ड कंप्लीटली, चेंज्ड नाउ, टर्की हैड टेकन पार्ट इन द प्रॉफिटेबल लुक्रियस ट्रेड ऑफ द स्पाइसेस दैट वॉज गोइंग ऑन द सेंचुरीज, सेंचुरीज से चल रहा था, शताब्दियों से चल रहा था, अरबियन ट्रेडर्स की सुप्रीमेसी बनी हुई थी उसमें, और अरबियन ट्रेडर्स भारत से ही मसाले नहीं लेते थे, और देशों से भी लेते थे, और यूरोप के देशों की तरफ दे देते थे। उनकी सुप्रीमेसी ब्रेक करने के लिए, टर्किश सुप्रीमेसी को, कंट्रोल को खत्म करने के लिए वास्को डी गामा जैसे लोग इधर भारत आए, और तब जाकर के स्पाइस ट्रेड का रूट बदला और चीजें बदल गई, और उसके बाद भारत की गुलामी भी सामने आई कैसे धीरे धीरे, वो चीजें एक क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस में आप जाएंगे, चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो व्हाट शुड बी द बेटर अप्रोच, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस। अप्रोच, अप्रोच टू स्टडी द हिस्ट्री, दिस इज द टॉपिक। और ये टॉपिक कोई ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में आएगा, बट हाउ टू स्टडी हिस्ट्री, इसको बता रहा हूं मैं, ठीक है, किस तरीके से आपको अच्छे तरीके से इतिहास पढ़ सकते हैं। तो पहली चीज इसमें जो मैं मानता हूं, जो डेट की समस्या, जो प्रॉब्लम बताई गई, वो प्रॉब्लम नेचुरल प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम होती है, मेरी भी प्रॉब्लम थी जब मैं आपकी एज में था, तो मेरी भी प्रॉब्लम थी ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से नहीं पूछता था कि डेट कैसे चीजें करें, किस तरीके से करें, मेरा भी क्वेश्चन हुआ करता था, लोगों ने यही मुझे समझाया, और इनफैक्ट मेरे टीचर ने भी यही समझाया कि डेट इतिहास की समस्या है ही नहीं। आप किसी भी घटना को आप देखेंगे, इकोनॉमी में भी देखेंगे, तो कोई चीज शुरू हुई है किसी समय, कोई डेफिसिट का कॉन्सेप्ट नया शुरू हुआ है, तो किसी डेट को ही तो शुरू हुआ होगा, वो तो डेट तो उसमें भी आएगा,
तो इतिहास में ही क्यों डेट है? ऐसा थोड़ी है सारे में डेट होता है। कोई प्लानिंग कोई शुरू करती है सरकार तो क्या डेट के साथ ही शुरू करती है ना, आपको याद भी डेट के साथ ही रखना पड़ता है, ठीक है, समय के साथ वो इतिहास का हिस्सा बन जाता है। आजादी के बाद जितनी भी चीजें हुई हमें लगता है कि जैसे 1947 में आजाद हो गए इतिहास खत्म हो गया। इट इज नॉट द एंड ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूअस मेकिंग प्रोसेस, एक्चुअली हिस्ट्री लगातार बनता रहेगा। ये नहीं है कि यहां पर 1947 में आजादी मिली खत्म हो गया, इतिहास उसके बाद भी है। पोस्ट इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, उसे इतिहास लिखा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, रामचंद्र गुहा ने लिखा है पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, विपिन चंद्रा ने लिखा है पोस्ट इंडिपेंडेंस, पढ़ लें आप इतिहास, उसके बाद का भी इतिहास इतिहास है। डेट इज नॉट अ प्रॉब्लम इन हिस्ट्री। रोमिला थापर बहुत बड़ी हिस्टोरियन है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और उन्होंने इसी डेट पर एक बार लेक्चर दिया था इतिहास को लेकर के, बहुत डिबेट चल रहा था डेट को लेकर के, तो इसी को लेकर के लेक्चर दिया कि इज डेट ऑल अबाउट हिस्ट्री या हिस्ट्री डेट को जस्टिफाई करने के लिए बस यूज किया जाता है। तो उन्होंने साफ साफ कहा डेट इतिहास नहीं है, ठीक है, बट इतिहास की घटनाओं को डेट से हम लिंक करते हैं तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है। जैसे सिकंदर के अटैक से पहले तो जो हम इतिहास लिखते थे ना वो डेट हम यूज ही नहीं कर पाते थे, डेट यूज ही नहीं हो पाया उसके पहले के इतिहास, वो एक तरीके से वाटर से पार्ट है, ठीक है, क्योंकि वहां से पहले का इतिहास जो हम लिखते थे, पहली बात तो हम इतिहास लिखते रहे ही नहीं है। हमारे देश में हिस्टोरियोग्राफी की जो सिस्टम ट्रेडिशन था वो बेसिकली 12th century में जाकर के एक इतिहासकार आए थे, कल्हन, शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने, पहली बार उन्होंने सही तरीके से इतिहास की कोई किताब लिखी थी जिसे सही अर्थों में हम इतिहास कह सकते हैं, अदरवाइज इतिहास की किताब हम लिखते ही नहीं थे, ठीक है। उससे पहले कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो इतिहास जैसे लगते हैं, हर्षचरित मिला है, हर्षचरित वानभट्ट ने लिखा था, ये इतिहास जैसा लगता है क्योंकि घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल तरीके से लिखा गया उसमें है, ठीक है। कुछ इंस्क्रिप्शन है जैसे सुना होगा हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, इसमें घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल सेंस में लिखा गया है। तो क्रोनोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री, लेकिन बिना डेट के भी क्रोनोलॉजी हो सकती है। अगर ये कहा जाए कि पहले साल इस शासक ने ये किया, दूसरे साल ये किया, तीसरे साल ये किया, चौथे साल ये किया, इसमें कौन सा डेट है? इसमें तो डेट है ही नहीं। और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में यही लिखा गया है कि पहले साल खारवेल ने ये किया, दूसरे साल ये किया, तीसरे साल ये किया, चौथे साल यहां पर अटैक किया, पांचवे साल ये किया, इस तरीके से घटनाएं लिखी गई। क्रोनोलॉजी हो गई कि नहीं हो गई? इट इज ऑल्सो क्रोनोलॉजी। मैं अगर कहूं आपसे कि एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, क्रोनोलॉजी है ये? बिल्कुल क्रोनोलॉजी है, क्योंकि एंशियंट के बाद मिडाइवल आया, मिडाइवल के बाद मॉडर्न आया, इट इज ऑल्सो क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी दिमाग से समझा जा सकता उसको है। आपको करना ये है, जो प्रॉब्लम, जहां पर प्रॉब्लम आपको समझ में आती है, आपको क्रोनोलॉजी बार बार उसको लिखना पड़ेगा पेपर पर, ठीक है, कि स्टोन एज के बाद चैल्कोलिथिक आया, चैल्कोलिथिक के बाद हड़प्पन कल्चर आई। अब वहां पर जब हड़प्पन कल्चर पर जाएंगे आप तो वहां पर प्रॉब्लम फंसेंगे, क्योंकि स्टोन एज एंड चैल्कोलिथिक कल्चर पूरे इंडिया में था, ठीक है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता तो पूरे इंडिया में था नहीं। हड़प्पा सभ्यता तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में था सिर्फ, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश मैक्सिमम इसका एक्सपेंशन था, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर एक्सपेंशन था, दक्षिण में कुछ लोग कहते हैं महाराष्ट्र, कुछ लोग कहते हैं गुजरात एक्सपेंशन था, और पश्चिम में बलूचिस्तान तक पाकिस्तान में यही एरिया था इसका। बाकी जगहों पर क्या हुआ? बाकी जगहों पर क्या हुआ? फिर यहां पर सिक्वेंस में प्रॉब्लम आएगी। जब आप ईस्टर्न इंडिया का इतिहास, बिहार का इतिहास या झारखंड का इतिहास या आगे का और बंगाल का इतिहास पढ़ेंगे तो वो कहां जाएगा, उसमें कौन से चेंजेस हो गए, ठीक है। दक्षिण भारत में क्या आ गया? वहां तो हड़प्पा सभ्यता रही नहीं। Although Harappan civilization was the first civilization of India, but how can we see कि वहां पर क्या चेंजेस हुए, उसको हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इन चीजों को जब देखेंगे तब समझ में आता है कि ये इतिहास रहा है इसको। तो पहला अप्रोच जो इतिहास में आपको यूज करना है, जो सभी लोग अपने मतलब घर पर बैठ करके जब इतिहास पढ़ेंगे तो पेन पेपर लेकर के बार बार उसकी क्रोनोलॉजी सेट करेंगे, ठीक है। तो जस्ट टू फोकस ऑन क्रोनोलॉजी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दिस इज फोकस ऑन क्रोनोलॉजी, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। विदाउट दिस यू कांट हैंडल द हिस्ट्री, ठीक है, कांट हैंडल, क्योंकि आप क्रोनोलॉजी बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर मैं कहूं कि दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल आए, क्रोनोलॉजी है ये, ठीक है, लेकिन दिल्ली सल्तनत के समय में बहुत सारे राज्य थे, मुगलों के समय में बहुत सारे राज्य थे, उनको भी तो हमें देखना है,
और वो जिस जिस तरीके से एक्सपेंशन हुआ उसके आसपास हमें बनाना पड़ेगा और वो चीजें हमें करनी पड़ेंगी। तो क्रोनोलॉजी आपको क्रिएट करना पड़ेगा और उसे बार बार पेज पेपर पर लिख करके अपने दीवार के सामने चिपका ले, ठीक है? क्रोनोलॉजी लिख करके 8-10 पेजेस लगेंगे, पूरे इतिहास की क्रोनोलॉजी आपकी बन जाएगी और उसे स्टडी करते रहें, ठीक है? जैसे संविधान के आर्टिकल स्टडी करते हैं ना, वैसे इसको अपने दीवार के सामने लगा लें और स्टडी करते रहें। इट शुड बी योर टारगेट। आज से शुरू कर दें उसको क्रोनोलॉजी बनाना, ठीक है? आज नहीं शुरू करें, कल से शुरू कर दे, लेकिन कल कभी आता नहीं है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि हर दिन वो आगे कहेंगे कल से शुरू करते, फिर कल से शुरू करते हैं। शुरू कर ले उसे बनाना। और कैसे शुरू करेंगे, तो कोई भी किताब उठा ले उसमें, ठीक है? उसका जो चैप्टर है खोल ले, जो इंडेक्स लिखा रहता है ना चैप्टर का, उसको खोल ले, उसको लिख डाले बस, ठीक है? पेज पेपर पर और दीवार पर चिपका ले। करना क्या है, एनसीईआरटी खोल ले, और क्या, सबसे बेहतरीन तरीका है। एनसीईआरटी में इतिहास जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखा गया है, उसको खोल करके लिख ले, दीवार पर चिपका ले, क्रोनोलॉजी बन गई आपकी। बाकी मैं हूं, ठीक है? पढ़ाने के लिए तो मैं हूं ही, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही पढ़ाऊंगा। शुरुआत इतिहास की एनसीएम से ही करूंगा आपकी। ये नहीं कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री वास्को डी गामा को ले आऊं, पहले भारत क्यों ले आऊं, ठीक है? आप फंस जाएंगे, मैं नहीं फंसूंगा, क्योंकि मुझे, मैं तो इतिहास कहीं से पढ़ूंगा, मुझे समझ में आएगा, लेकिन आपको हो सकता है समझ में ना आए। उसके बैकग्राउंड में क्या था, उसके आसपास क्या था, थोड़ी देर के लिए मैं समझा दूंगा, आप सेटिस्फाई भी हो जाएंगे, लेकिन वास्तविकता है कि इट इज नॉट द बेस्ट वे टू टीच द हिस्ट्री। इतिहास को बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली सही से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के इट शुड बी इट कैन बी सेड कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं। और विशेषकर उन लोगों के लिए जिनका बैकग्राउंड है, मैं ये तो नहीं मानकर चल सकता ना कि सभी लोगों ने ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया होगा, ऐसा मैं मानकर नहीं चल सकता। सारे तरीके के लोग होंगे क्लास में, और अगर सारे तरीके के लोग हैं तो मुझे सभी को इक्वली ट्रीट करना होगा उसी तरीके से, ठीक है? जहां पर मैं शुरू से उस टॉपिक को लेकर चलूं। अभी सिलेबस बताने नहीं जा रहा हूं, मैं पहले बता दे रहा हूं। अभी अप्रोच है, देन इंट्रोडक्शन करूंगा, कुछ डेफिनेशंस लिखवाऊंगा, देन आफ्टर मैं इसको डिवाइड करूंगा इतिहास को 3 भागों में, देन आफ्टर सोर्सेस कराऊंगा, देन आफ्टर मैं आगे लेकर चलूंगा। तब जाकर के मैं एंशियंट के सिलेबस को डिफाइन करूंगा आपके लिए, क्या क्या मुझे पढ़ाना है आपको, और वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा, ठीक है? अभी मैं 2-3 क्लासेस इसी तरीके से चलेंगी, ठीक है? इंट्रोडक्शन में ही 2-3 क्लासेस निकल जाएंगी। तो पहला ये है। दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन चेंजेस, एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस, फोकस ऑन चेंजेस, परिवर्तनों पर आपको ध्यान देना है। इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। हम लोग क्या करते हैं, इतिहास को प्लेन वे में पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता से पहले चैल्कोलिथिक पीरियड था उसी एरिया में। अब चैल्कोलिथिक पीरियड और हड़प्पन कल्चर में क्या उसमें चेंज हुआ, चैल्कोलिथिक से हड़प्पा जाते समय चेंज क्या हुआ, जब तक ये पढ़ेंगे नहीं तब तक समझेंगे कैसे। इतिहास को पढ़ने का तरीका यही होता है। अगर आप ये नहीं पढ़ते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से वैदिक सिविलाइजेशन आया तो उसमें चेंजेस क्या हुए, ठीक है? वैदिक सिविलाइजेशन में जाने के बाद चेंजेस क्या हुए, तो इतिहास आप पढ़ ही नहीं रहे। इसका मतलब इतिहास को पढ़ने का तरीका बता रहा हूं अब, ठीक है? तो इसका मतलब है, पहला है फोकस ऑन क्रोनोलॉजी, एंड सेकंड आ गया आपका चेंजेस पर ध्यान देना। चेंजेस हर पीरियड में बदलने के बाद, जैसे दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल आ गए, तो दिल्ली सल्तनत और मुगलों में एक बहुत बड़ा अंतर, जो शायद आप लोग जानते भी होंगे नहीं भी जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे शायद, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, या बहुत दिन हो गया तो भूल गए होंगे, ठीक है? एक बहुत बड़ा अंतर जो है, दिल्ली सल्तनत के शासकों को सुल्तान कहा जाता था, जबकि मुगलों को बादशाह कहा जाता था। ऐसा क्यों था, दोनों तो किंग ही थे लेकिन उनको सुल्तान, इनको बादशाह, ऐसा क्यों? हाँ देखे, ये इन्होंने बताया कौन खलीफा के अंडर थे, नहीं नहीं कौन लोग खलीफा के अंडर थे, दिल्ली सल्तनत के लोग की दिल्ली सल्तनत। आपने देखा होगा दिल्ली सल्तनत पढ़ते समय कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी रूलर्स थे, मैक्सिमम ने कैलिफेट से एक तरीके से उनसे रिकॉग्निशन लिया है, ठीक है? जबकि मुगल अपने आप को बादशाह या पातशाह कहते थे, एबव खलीफा, दे नेवर रिकॉग्नाइज्ड कैलिफेट, नेवर, ठीक है? दे सेड दैट आई ओनली रिकॉग्नाइज, दे सेड दैट दे ओनली रिकॉग्नाइज
प्रॉफिट नॉट कैलिफेट, ठीक है। तो सिस्टम को समझना होगा, और जब तक नहीं समझेंगे टाइटल को नहीं समझ पाएंगे। जैसे कभी कभी एंशिएंट में देखते होंगे कुछ लोग टाइटल यूज करते थे, महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, सांस फूल जाती है लेते लेते नाम, ठीक है। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या होने जा रहा है। महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, इतनी बड़ी उपाधि क्यों होल्ड करते थे? कौन लोग होल्ड करते थे? और उससे पहले जो शासक थे ना, वो इतनी बड़ी उपाधियां होल्ड नहीं करते थे। उससे पहले वाले शासक देवनामपिय थे, देवनामपिय देशी राजा, अशोक, अशोक कॉल्ड हिमसेल्फ देवनामपिय, ठीक है, देवताओं का पैर। और उसके बाद वाले शासक बड़ी भारी भरकम उपाधि, महाराज अधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, इस तरीके की उपाधियां होल्ड करते थे। सोचे, चेंज हुआ, उपाधियों में चेंज हुआ, तो ऐसा क्यों करते थे वो? व्हाई दे होल्ड सच टाइप ऑफ टाइटल्स? महाराज अधिराज, दोज हु होल्ड महाराज अधिराज टाइटल वर फ्यूडल रूलर्स। एक्चुअली फ्यूडल, फ्यूडलिज्म समझते हैं आप लोग? हैं फ्यूडलिज्म का मतलब देयर विल बी अ बिग किंग एंड बीनीथ देम, उनके नीचे जो होंगे वो स्मॉलर किंग्स होंगे। एंड बिग किंग यूज टू होल्ड द टाइटल, बिगर टाइटल लाइक महाराज अधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर। एंड स्मॉलर किंग्स यूज टू होल्ड द टाइटल महाराजा, द स्मॉलर किंग्स, वाइल द मौर्यन रूल वॉज सेंट्रलाइज्ड, दे यूज टू होल्ड द टाइटल देवनामपियदस्सी राजा, ठीक है। ये भारी भरकम उपाधि नहीं है। देवनामपिय से भीम पुकारते हैं, देवताओं का पैरा, सीधी सी है। तो इसका मतलब है फ्यूडलिज्म जब आया ना, तो ये भारी भरकम उपाधियों से अपने आप को जस्टिफाई करने लगे कि मैं तो बड़ा राजा हूं और मेरे अंडर बहुत सारे छोटे राजा हैं, और वो छोटे राजा अपने अंडर और छोटे छोटे राजा रखने लगे, राय और छोटे छोटे, और उनके नीचे राय टाइप के राजा आ गए। टाइटल छोटी होती चलेगी, राजा छोटा होता जाएगा, टाइटल बड़ी होगी, राजा बड़ा होगा, लेकिन उससे बड़ा नहीं होगा। महाराज अधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, अब इतना काफी है, ठीक है, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। अब इससे ज्यादा कहेंगे तो आदमी दम ही ना तोड़ दे फिर, ठीक है। तीसरा, तीसरा जो महत्वपूर्ण फीचर इसका है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना होगा आपको, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच टू स्टडी हिस्ट्री इन अ बेटर वे, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हिस्ट्री। कंपैरेटिव स्टडी तुलनात्मक अध्ययन हमें करना ही होगा। जब हम वैदिक काल पढ़ते हैं ना, तो दो फेजेस होते हैं वैदिक काल के, ऋग्वेदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। ऋग्वेदिक पीरियड मीन्स वैदिक, लेटर वैदिक से पहले का काल है, और हड़प्पा सभ्यता के जस्ट बाद का काल है, और लेटर वैदिक का मतलब ऋग्वेदिक के बाद का काल है। इन दोनों को अगर कॉम्परेटिव स्टडी कर लेना, हम पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। दोनों में चार चीजों में कंपेयर करना होता है, मेजर चार चीजें हैं, बस पांच छह चीजें होती हैं, लेकिन मेजर चीजें बता रहा हूं मैं। एक तो पॉलिटिकल सिस्टम में कंपेयर कर ले कि ऋग्वेदिक काल का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, लेटर वैदिक काल का कैसा था, ठीक है। दूसरा सोसाइटी में कर ले, ठीक है, सोसाइटी ऋग्वेदिक काल की कैसी थी, लेटर वैदिक काल की कैसी थी। तीसरा इकोनॉमी में कर ले, इकोनॉमी ऋग्वेदिक काल की कैसी थी, लेटर वैदिक काल की कैसी थी, कॉम्परेटिव वे में पढ़ ले। रिलीजन चौथा है, रिलीजन ऋग्वेदिक काल का कैसा था, लेटर वैदिक काल का। जैसे इंद्र ऋग्वेदिक काल के मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड थे, इंद्रा वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड, इंद्रा। बट इन लेटर वैदिक पीरियड इनका स्टेटस गिरा दिया गया, मतलब आर्य लोगों में इतनी ताकत थी कि वो किसी देवता का स्टेटस नीचे भी कर सकते थे और किसी को ऊपर भी ला सकते थे। तो इंद्र का स्टेटस कम कर दिया गया, उनकी जगह पर प्रजापति आ गए, ही वॉज रिप्लेस्ड बाई प्रजापति, एंड ही बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। कंपेयर, बिना कंपेयर के नहीं होगा ये, क्योंकि इंद्र ऋग्वेदिक काल के महत्वपूर्ण देवता है, लेकिन लेटर वैदिक काल में उनका स्टेटस कम करके प्रजापति ने उनको स्थान दे दिया, उन्होंने बना दिया। एक देवता थे वरुण, वरुण ऋग्वेदिक काल में मिलेंगे आपको, बट लेटर वैदिक काल में नहीं मिलेंगे। वरुण जो है लेटर वैदिक काल में वो हटा दिए जाते हैं, वो देवता मंडल से ही हटा दिए जाते हैं, इतनी ताकत थी आर्यों में, किसी देवता को हटा भी सकते थे, उनको रिमूव कर दिया उन्होंने, कहा कि आपकी जरूरत ही नहीं अब हमें है, क्योंकि हम लोग अनैतिक हो गए हैं, क्योंकि वो नैतिकता के रक्षक थे बेसिकली,
ही वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ मॉरेलिटी, ही वॉज नोन एज रितस्य गोपा इन ऋग्वेदा. रिता मीन्स मॉरेलिटी एंड गोपा मीन्स प्रोटेक्टर, रितस्य गोपा. और जब लेटर वैदिक काल में आर्यों में नैतिकता रही नहीं थी, देवता का महत्व ही नहीं, और उसके बाद अधिकारी अपॉइंट होने लगे. मौर्यों के काल में एक अधिकारी है, नैतिकता टाइप के अधिकारी, अब देवता तो रहे नहीं, तो लोगों को नैतिक बनाए रखने के लिए कुछ चाहिए ना, कुछ प्रशासनिक चीजें. तो एक प्रशासन में एक अधिकारी ऐड कर दिया गया, उसका नाम था धम्म महामात्रा. इट वॉज क्रिएटेड बाई अशोका. धम्म महामात्रा's प्राइमरी रोल वॉज टू स्प्रेड द प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म. एंड धम्मा आपको मेंस में भी पढ़ना है, ठीक है, मेंस में आएगा आपके पास, सिलेबस में आपके है. तो धम्मा को प्रमोट करना, प्रोपगेट करना, अलोंग विद द कि इनको लोगों को नैतिक बनाए रखने की जिम्मेदारी भी दी गई कि टू मेक द पीपल मॉरल. गुप्ता काल में भी इसी तरीके का अधिकारी था. विनय स्थिति स्थापक, तुलना कर ले पता चल जाएगा. वरुण देवता थे नैतिकता के, धम्म महामात्रा उसका की काम, उसका ही काम वही था नैतिकता की रक्षा करना, ठीक है, और साथ साथ धम्म को प्रोपगेट करना. विनय स्थिति स्थापक गुप्ता काल में था, वो भी इसी तरीके का अधिकारी था. विनय स्थिति स्थापक, विनय का मतलब नैतिकता, नियम, रूल. और इसी तरीके का अधिकारी औरंगजेब ने अपॉइंट किया था. तुलना हो गई कॉम्परेटिव स्टडी. एक अधिकारी से मैंने देखे कहां कहां तक पहुंचा दिया उसको. जब आपके दिमाग में चीजें होंगी तो अपने आप कंपेयर करेंगे. जैसे किसी को पढ़ रहे हैं ना, तो उस टाइप का अधिकारी आपको मिले तो वहां पर सारे को लिख ले एक जगह पर, अपने आप चीजें आसान हो जाएंगी कि इसी तरीके का अधिकारी है. जैसे वरुण है, तो वरुण के साथ नैतिकता के देवता थे, इनको हटा दिया गया, तो उसके बाद अधिकारी आने लगे, तो उसमें धम्म महामात्रा गया, विनय स्थिति स्थापक, और मुहत्सिब अधिकारी था जो औरंगजेब ने अपॉइंट किया था, वो भी नैतिकता के लिए था. इस तरीके की चीजें करनी है. एंड जब आप बड़े बड़े एम्पायर को पढ़ेंगे ना, जैसे मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, ये सब बड़े बड़े एम्पायर थे, इन एम्पायर्स को पढ़ेंगे तो बिना कंपेरेटिव स्टडी के पढ़ ही नहीं पाएंगे आप. मौर्यों का एम्पायर सेंट्रलाइज था, जबकि गुप्तों का एम्पायर डिसेंट्रलाइज था. डिसेंट्रलाइज का मतलब सामंती राज्य, छोटे छोटे सामंती राज्य थे, फ्यूडल स्टेट्स थे. मौर्यों ने सेंट्रलाइज रूल किया है, एक केंद्र से पूरी सत्ता होल्ड करी है. एंड दे वर द सुप्रीम लीडर्स एंड दे कुड अपॉइंट द ऑफिसर्स, रिमूव द ऑफिशियल्स, प्रमोट एंड डिमोट द ऑफिशियल्स, दे वर ऑल इन ऑल, ठीक है. ईच एंड एवरी ऑफिशियल वर डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द मौर्यन किंग्स, ईच एंड एवरी ऑफिशियल, एंड दे वर सैलरीड, उनको सैलरी दी जाती थी, जबकि सामंत ये लोग सैलरी वाले नहीं होते, ये हेरिडेटरी किंग्स होते हैं. उनको जीतने के बाद उनके राज्य को वापस लौटा दिया जाता है कि आप राज्य करो, बस हमें ट्रिब्यूट देते रहना समय समय पर, ठीक है, आप हमारे अंडर रहोगे. इस तरीके की चीजें की गई. तो कुल मिलाकर के स्थिति यही थी. चेंजेस पर ध्यान देना जरूरी है. अब देखें कि आपको एंशियंट से मेडाइवल में पढ़ना है. एंशियंट से मेडाइवल में क्या चेंजेस हुए, बहुत बड़ा चेंज हुआ बताएं आप. हम उन्हें एंशियंट क्यों कहते हैं और एंशियंट कब खत्म होता है, एंशियंट किस पीरियड में जाकर खत्म होता है भारत का, हर्षवर्धन के समय. हर्षवर्धन के बाद मेडाइवल शुरू हो जाता है, हाँ, 647-700 के बाद. ठीक, क्या ऐसा कारण था, जैसे एंशियंट क्या मतलब कोई ऊपर से किसी भगवान ने अवतार लिया था कि आप कह दे कि नहीं एंशियंट खत्म हो गया आपका, अब मेडाइवल शुरू कर रहा हूं मैं, क्या ऐसा बेसिस है? फॉरेन अटैक. अरे एंशियंट पीरियड में सबसे ज्यादा अटैक हुए भारत पर, एंशियंट पीरियड में 7 अटैक हुए भारत पर, 7 अटैक्स. और मेडाइवल पीरियड की शुरुआत में अरबी अटैक हुआ, तुर्की अटैक हुआ, ठीक है, मंगोल अटैक हो रहे थे जो कि भारत में पहुंच नहीं पाए, ठीक है, इसके अलावा मुगलों का अटैक, मुगल भी मंगोल ही थे वैसे, और कुछ अहमद शाह अब्दाली वगैरह जैसे लोगों का, तो 4-5 अटैक ही है, ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा तो एंशियंट पीरियड में अटैक हुआ. अटैक कारण नहीं था उसका, फ्यूडलिज्म, इंटेंसिटी ऑफ फ्यूडलिज्म. इनफैक्ट व्हेन इंटेंसिटी ऑफ फ्यूडलिज्म ग्रू, देन वी ट्रांसफर्ड दैट फेज इनटू मेडाइवल फेज. और पूरे दुनिया में जो डिवीजन हुआ है ना एंशियंट और मेडाइवल के बीच, फ्यूडलिज्म से ही हुआ है. पूरी दुनिया में फ्यूडलिज्म है, एक साथ कहीं नहीं आया. ये नहीं समझे कि भारत में जिस साल फ्यूडलिज्म आया उसी साल वहां पर फ्यूडलिज्म आ गया. दुनिया में हर जगह पर अलग अलग समय में आया, ठीक है, लेकिन फ्यूडलिज्म इज द बेसिस. जब फ्यूडलिज्म की इंटेंसिटी बढ़ी तब जाकर के हम कहते हैं उसे मेडाइवल पीरियड. ठीक है, भारत छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया, बहुत सारे छोटे छोटे, पढ़ना मुश्किल है उस काल को, बहुत ही मुश्किल है उस काल को पढ़ना.
इतने छोटे छोटे राज्य, इतने छोटे छोटे स्टेट्स है ना, कि पढ़ना, जब बड़े एम्पायर के, बड़े एम्पायर को पढ़ना आसान होता है क्योंकि एक एम्पायर है, सिंगल एम्पायर है। उसके पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ लें, उनके इकोनॉमिक सिस्टम को पढ़ लें, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ लें, उनके कल्चर को पढ़ लें, पढ़कर खत्म। लेकिन जब छोटे छोटे राज्यों में भारत डिवाइड होगा ना, तो पढ़ना मुश्किल हो जाता है वो। इट वॉज नॉट ईजी, ठीक है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सबके लिए खतरा होता है, मेरे लिए भी होता है, ठीक है। कई बार पढ़ाना मुश्किल हो, समझाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैप के थ्रू इसे सॉल्व किया जाता है, इस मैटर को, ठीक है। तो फोर्थ एलिमेंट जो अप्रोच में आप अपनाएंगे, यूज ऑफ मैप्स, यूज ऑफ मैप्स इन द हिस्ट्री, इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के अध्ययन के लिए मानचित्र का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। बिना मैप के आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब प्लेन वे में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसको साइंटिफिक नहीं बना रहे हैं। इतिहास को साइंटिफिक वे में पढ़ें थोड़ा सा, और उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। और वो उसमें से एक बड़ा एक्सपेरिमेंट होता है मैप पर। मैप नहीं बना पाते तो खरीद ले मार्केट से, ठीक है। प्लेन मैप खरीदे, उसको एम्पायर को वहां पर लोकेट कर दे, आसान हो जाएगा आपके लिए। एम्पायर लोकेशन हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हर फेज को आप करें, अभी मैं दिखाता हूं कुछ। तो मैप को जरूर यूज करें, इंडिया का मैप कम से कम आप बनाएं, ज्यादा से ज्यादा इंडिया का मैप बनेगा। कभी कभी तीन कॉन्टिनेंट का मैप बन जाता है, वर्ल्ड का मैप बनाने की जरूरत नहीं है, तीन कॉन्टिनेंट में हमारा काम चल जाता है, एशिया, अफ्रीका एंड इंडिया। अफ्रीका न भी बनाए तो मजबूरी हो जाती है, क्योंकि अफ्रीका जुड़ा हुआ है उससे, है ठीक है। बिना अफ्रीका के बनाए हुए कई बार काम नहीं चलता है, ठीक है। तो वो चीजें मैप में आपको बनाना ही पड़ेगा। पांचवा एलिमेंट, पांचवा इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट इसमें है वो है, इतिहास को जब हम पढ़ते हैं ना तो कई बार घटनाएं पहली बार घटती हैं, बहुत बार ऐसी घटनाएं होती पहली बार। जैसे भारत की पहली सभ्यता, भारत में पहली बार यूज ऑफ फायर हमने कब किया, ठीक है। व्हेन वी यूज फायर फॉर द फर्स्ट टाइम, इन्वेंशन ऑफ फायर भी कर सकते हैं। नहीं,